नेपाल में भूकंप के बाद हाहाकार मचा हुआ है। भूकंप पीड़ित किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस भीषण त्रासदी के बीच भारत ने नेपाल का हाथ थामा है। भारत की तरफ से नेपाल को राहत सामग्री भेजी जा रही है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज आपातकालीन राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल के गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ को सौंपी। जमीन और वायु हर माध्यम से मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम को इस काम में कार्यरत देखा जा सकता है। राहत सामग्री के बॉक्सों पर नेपाल के लोगों के लिए भारतवासियों की तरफ से गिफ्ट्स लिखा देखा जा सकता है। भूकंप के चलते नेपाल में हालात काफी खराब हैं। कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं और पक्के घरों में दरारें आ गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 नवंबर को आया भूकंप कितना खतरनाक होगा। कैसे घरों में सोते हुए लोग वहीं मलबे में दब गए होंगे। चंद पलों में कितने ही लोगों की दुनिया उजड़ गई होगी। भूकंप की वजह से सैकड़ों लोग काल की काल में समा गए। भूकंप आने के 2 दिन बाद भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।